गांवा थाना क्षेत्र के मालडा बाजार में सोमवार की दोपहर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बाजार में बाहर जा रही नाली का गंदा पानी के विरोध में पूरा बाजार जाम कर दिया। इस दौरान मुख्य मार्ग के अलावा अन्य रास्ते जिनसे लोगों की आवाजाही होती थी उस पर भी बस व बाइक से बैरिकेडिंग कर प्रतिबंध लगा दिया। बताया जाता है कि रविवार को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन गांवा थाना प्रभारी को सौंपते हुए नाली का पानी सड़क पर बहाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम करने की बात कही गई थी, जिसके बाद रविवार की शाम को गांवा थाना प्रभारी ने सभी नाली का पानी बहाने वाले लोगों से शपथ पत्र भरवाने के साथ चेतावनी भी दिया था। किंतु सोमवार की सुबह जब कुछ लोगों द्वारा मालडा मुख्य मार्ग में घरों के नाली का पानी बहाया गया तो उनका आक्रोश उमड़ पड़ा। नतीजन सभी ग्रामवासियों ने बाजार एवं अन्य रास्तों पर बैरिकेडिंग कर मार्ग को दोपहर 2 बजे अवरुद्ध कर दिया। बताते चले कि सूचना मिलने के बाद गांवा थाना प्रभारी लगभग 3 बजे मालडा बाजार पहुंचे। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को आश्वासन दिलाते हुए उन्होंने जाम को हटवाया। इसके साथ ही सभी नाली का पानी बहाने वाले लोगों के घर जाकर जांच भी किए। मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि नाली का पानी बहाए जाने वाले 9 लोगों के खिलाफ खोरी महुआ SDM को धारा 133 के तहत कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है। उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद मृत्युंजय पांडे ने कहा कि गांवा थाना प्रभारी की बात को मानते हुए अभी जाम को खत्म कर दिया गया है, किंतु अगर इसके बाद भी नाली का पानी सड़क पर बहाया जाता है तो सभी ग्रामीण गोलबंद होकर उपायुक्त को आवेदन सौंपेंगे, जिसके बाद वे और बड़े आंदोलन की ओर अपने रुख करेंगे। मौके पर मोहम्मद मरगूब आलम, अजीत तिवारी, पिंटू साव, राहुल कुमार, संजय कुमार, राम कुमार, सुजीत सावन, पप्पू कुमार, महेंद्र पांडे, अमित कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। हम लोग मालडा में जो बाजार में गंदा पानी बहाया जा रहा है लोगों के द्वारा, उस पर कार्रवाई करने के लिए 11 दिसंबर 2022 को थाना प्रभारी महोदय को लिखित में आवेदन दिए थे और उनसे हम लोग निवेदन किए थे कि आप आ करके और लोगों को चिन्हित करें और चिन्हित करके लोगों पर कार्रवाई करें। यदि आपके द्वारा नहीं किया जाता है कार्रवाई तो हम लोग 12 दिसंबर 2022 को चक्का जाम करने का कार्य करेंगे। थाना प्रभारी महोदय शाम को आए 11 तारीख को और लोगों से शपथ पत्र भरवाए। शपथ पत्र भरवाने के बाद लोगों को समझाए भी, परंतु फिर से 12 तारीख को जब सुबह हम लोग उठ करके और दौरा करने के लिए आए तो हम लोग को पानी ज्यों का त्यों बहता हुआ मिला। जब हम लोग बहता हुआ पानी को देखे तब हम लोग आज 12 दिसंबर 2022 को चक्का जाम किए। थाना प्रभारी महोदय पहुंच करके और चक्का जाम को हटा दिए, यह कह करके कि हम लोगों पर कार्रवाई करेंगे और लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। यदि लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग ग्रामीण सब बैठ करके बैठक करेंगे और बैठक ले करके और हस्ताक्षर करके सभी लोग आवेदन बना करके उपायुक्त महोदय को देंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन आगे हम लोगों द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी महंगे पेट्रोल से मुक्ति 32 वर्ष पुरानी विश्व प्रसिद्ध कंपनी ओकाया द्वारा बहुत ही दमदार और उच्च तकनीक से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में उतारा गया है। एक बार फुल चार्ज करने पर यह अधिकतम 140 से 160 किलोमीटर चलती, वो भी 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। ओकाया स्कूटर कई मॉडल, आकर्षक लुक और कई रंगों में उपलब्ध, तो उच्च तकनीक से लैस ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि स्टाइल भी और बचत भी, मतलब फायदे का सौदा। तो इन त्योहारों में घर ले आए ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओकाया स्कूटर के शोरूम का पता साहू इभी जोन मिशन के सामने बिशनपुर पचम्बा मेन रोड गिरडी।